हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर। छत्तीसगढ़ व्यापम भर्ती परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्पेशली फूड इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। फूड इंस्पेक्टर एग्जाम में इस चैप्टर के हर एक टॉपिक से सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखिएगा फूड इंस्पेक्टर एग्जाम का, उस एग्जाम में इस चैप्टर के हर एक टॉपिक से इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर केवल आपके फूड इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी के एग्जाम में जो सीजीपीएससी के द्वारा जो अलग अलग भर्ती परीक्षाएं निकाली जाती है, यहां तक कि जो व्यापम के द्वारा जो भर्ती परीक्षाएं होती है, उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब बात की जाएगी फूड इंस्पेक्टर एग्जाम की, तो उसके लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है 15 मई 2024 से, यानी कि 3 दिन बाद। इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो गूगल प्ले स्टोर में जा करके छत्तीसगढ़ ई पाठशाला के नाम से मोबाइल ऐप को सर्च कर सकते हैं। ये हमारा ही मोबाइल ऐप है, सीजीपीएससी ई पाठशाला की जगह इसे छत्तीसगढ़ ई पाठशाला कर दिया गया है कुछ इश्यूज थे इस कारण से। तो छत्तीसगढ़ ई पाठशाला के नाम से आप गूगल प्ले स्टोर पर मोबाइल ऐप सर्च करेंगे तो आपको हमारा मोबाइल ऐप मिल जाएगा। इसमें जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्री व्यापम बैच, ठीक है, प्री व्यापम बैच 2024-25 को टारगेट करते हुए बनाया जा रहा है। कंप्लीट छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को इसमें कवर कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वे 15 मई 2024 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सी जी बुक्स कार्ट में भी जा करके हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सी जी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सी जी पी एस सी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अध्याय 4 आपके दो पार्ट में है, एक है मूल्य और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मूल्य के अंतर्गत आपको थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उससे संबंधित कुछ आंकड़े पढ़ने के लिए रहते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब तक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हम मेन फोकस करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर बहुत सारी थ्योरी पोर्शन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, उसे मैं पहले पढ़ करके आपको बताऊंगा। जिन चीज़ों को अंडरलाइन करूंगा, जिन चीज़ों को सर्कल में रखूंगा, उन चीज़ों को आपको मेन याद करना है। कुछ ईयर, कुछ डेट्स, कुछ आंकड़े जो कि इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीन पर लिखी हुई कुछ चीज़ें अगर आपको नज़र नहीं आ रही होगी तो यूट्यूब के वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पर सेट कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि जो चीज़ें यहाँ पर स्क्रीन पर लिखी हुई है काफ़ी छोटे दिख रहे होंगे या नज़र नहीं आ रहे होंगे, इसके लिए आप YouTube के सेटिंग में जा करके वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल में कम से कम सेट कीजिए। उससे स्क्रीन पर लिखी हुई सारी चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आएगी। बाकी यहाँ पर जितने भी कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो सीरीज में, ये सीजीपीएससी ई पाठशाला के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक से ही उठाया गया है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है। तो जो लोग बुक को फॉलो कर रहे हैं वो बुक में भी जाकर के इसे रीड कर सकते हैं, और जो लोग बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो वीडियो क्वालिटी को, यूट्यूब के वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। ध्यान समझिएगा, प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 राज्य में लागू किया गया है। ध्यान समझिएगा, यहां पर क्या बात हो रही है, राष्ट्रीय यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू किया गया। 2013 की तारीख 5 जुलाई 2013 को अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण भारत पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर लागू होने के एक साल पहले ही वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया था। इसी के साथ भोजन का अधिकार देने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। प्रश्न पूछा जाता है कि अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया, तो 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया। लास्ट ईयर फूड इंस्पेक्टर एग्जाम का क्वेश्चन बना था, इस डेट को याद रखिएगा, 5 जुलाई 2013। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, वर्ष 2012 में। अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, 2013 में, एक साल बाद। ठीक है, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है आपका भोजन का अधिकार देने के मामले में। ठीक, आगे देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य के 70% जनसंख्या अर्थात 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है। किसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात हो रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की नहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य के 70% अर्थात 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 रुपये प्रति किलो है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर कितनी है, 3 रुपये प्रति किलो, जबकि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले 67.23 लाख परिवार 67.23 लाख परिवार को 1 रुपये प्रति किलो की दर से तथा सार्वभौमिक पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवार वाले 8.78 लाख परिवारों को 10 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदाय किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर कितनी है, 3 रुपये प्रति किलो। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर कितनी है, आगे पूरा हम टेबल में पढ़ेंगे। यहाँ पर अलग अलग जो है राशन कार्ड प्रचलित है, अंत्योदय राशन कार्ड, प्राथमिकता राशन कार्ड, एकल निराश्रित, ठीक है, निःशक्त जन, सामान्य परिवार, उसको हम देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर कितनी है, 3 रुपये प्रति किलो, जबकि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकता एवं अंत्योदय परिवार को 1 रुपये प्रति किलो की दर से चावल और सामान्य परिवार को 10 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखिए जो चीज़ें अभी हमने थ्योरी में पढ़ी उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा पॉइंट वाइज देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, वर्ष 2012 में। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, वर्ष 2013 में, 5 जुलाई 2013। तो राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के एक साल पहले ही छत्तीसगढ़ ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू किया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, प्रदेश के नागरिक यानी कि गरीब एवं जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नागरिक आपूर्ति निगम के पीडीएस प्रदाय केंद्र और उचित मूल्य की दुकान। जैसे कि थ्योरी में अभी हमने पढ़ा कि प्रदेश के गरीब एवं जरूरतमंदों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री मुहैया कराना पात्रता अनुसार, तो जो प्रदेश सरकार जो है ये छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में उचित मूल्य की दुकानें स्थापित करती है और इन उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से ही आपके खाद्यान्न सामग्रियों का वितरण किया जाता है। ठीक है,
उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से ही उचित मूल्य पर खाद्यान्न सामग्रियों का वितरण किया जाता है। और एक है पीडीएस प्रदाय केंद्र। पीडीएस प्रदाय केंद्र आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसे आप समझ सकते हैं एक प्रकार का गोदाम, ठीक है। जैसे कि आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, समझ लीजिए रायपुर, रायपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो रायपुर में एक वेयर हाउस होगा। वेयर हाउस का मतलब एक आप इसको गोदाम समझ सकते हैं, और पूरे रायपुर भर में बहुत जगह पे, बहुत सारे जगहों पर आपका ये क्या है, ये उचित मूल्य की दुकानें हैं। ये सभी के सभी क्या है, उचित मूल्य की दुकानें। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका खाद्यान्न सामग्री है वो पीडीएस प्रदाय केंद्र में आएगा। यहां पर स्टोर किया जाएगा और फिर यहां से जो है इसे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पूरे रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, केवल रायपुर डिस्ट्रिक्ट एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ के हर एक जिलों में जो है आपके ऐसे बहुत सारे, हर एक जिले में बहुत सारे पीडीएस प्रदाय केंद्र, यानी कि एक प्रकार का वेयर हाउस, स्टोर रूम, गोदाम स्थापित किया जाता है जहां पे खाद्यान्न सामग्री रहेगा और इस आपके पीडीएस प्रदाय केंद्र से अलग अलग उचित मूल्य की दुकानों में आपके सप्लाई किया जाता है खाद्यान्न सामग्री। तो नागरिक आपूर्ति निगम के पीडीएस प्रदाय केंद्रों की संख्या कितनी है, 123। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नागरिक आपूर्ति निगम के पीडीएस प्रदाय केंद्रों की संख्या कितनी है, 123। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में ये पहली बार जोड़ा गया है। इससे पहले ये डाटा जो था, यानी कि पीडीएस प्रदाय केंद्रों की संख्या, ये इकोनॉमिक सर्वे में शामिल नहीं रहता था। तो अब याद रखना कि पूरे प्रदेश भर में नागरिक आपूर्ति निगम के, ठीक है, नागरिक आपूर्ति निगम पूरे अलग, पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में वेयर हाउस बनाता है, एक स्टोर रूम, एक गोडाउन बनाता है। नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा इन वेयर हाउस, गोडाउन या पीडीएस प्रदाय केंद्र में सबसे पहले खाद्यान्न स्टोर किया जाता है और उसके बाद सभी उचित मूल्य की दुकानों में वितरित किया जाता है। तो नागरिक आपूर्ति निगम के पीडीएस प्रदाय केंद्रों की संख्या कितनी है, 123। ठीक है, उचित मूल्य की दुकानें दिसंबर 2023 तक की स्थिति में प्रदेश में उचित मूल्य के दुकानों की संख्या कितनी है, 13,759। 13,759 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 11,903, शहरी क्षेत्र में 1,856 है। अगर आप 11,903 और 1,856 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 13,759। 13,759 ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं, 11,903, शहरी क्षेत्र में कितने हैं, 1,856, 1,856। सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें किस जिले में है पूछा जाए तो रायपुर जिले में है। सबसे कम उचित मूल्य की दुकानें किस जिले में है, नारायणपुर जिले में है। जब अभी ये जो आपके जो आंकड़े हैं ना, ये 33 जिलों के आधार पर है, ठीक है। जब पहले 28 जिले थे, यानी कि जो 5 नवगठित जिले जब अस्तित्व में नहीं आए थे, तो सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें राजनांदगांव जिला में हुआ करती थी। राजनांदगांव जिला अपने आप में बहुत बड़ा जिला था, लेकिन राजनांदगांव जिले से पृथक होकर के मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी बन गया और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई एक जिला बन गया। इस कारण से अब राजनांदगांव जिला थोड़ा छोटा हो गया है। प्रदेश में सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें रायपुर में हैं, क्योंकि वहाँ पर आबादी सर्वाधिक है, ठीक है। सबसे कम है नारायणपुर। नारायणपुर में सबसे कम क्यों है, क्योंकि ये दुर्गम एरिया है, अबूझमाड़ के जंगल है, यहाँ पे सबसे कम उचित मूल्य की दुकानें हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इन आंकड़े को याद रखिएगा। तो दिसंबर, प्रश्न पूछा जाएगा दिसंबर 2023 तक की स्थिति में प्रदेश में उचित मूल्य के दुकानों की संख्या कितनी है, 13,759। दिसंबर 2023 तक की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानों की संख्या कितनी है, 11,903। दिसंबर 2023 तक की स्थिति में प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम के पीडीएस प्रदाय केंद्रों की संख्या कितनी है, 123। ये सभी आंकड़े आपको याद रखने हैं। अब ये जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, ये अलग अलग संस्थानों के द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे कि देखिए, 13,759 उचित मूल्य की कुल दुकानें हैं। अब इन 13,759 उचित मूल्य की दुकानों में से 4,767 सहकारी समितियों के द्वारा संचालित किया जाता है, 3,773 ग्राम पंचायतों के द्वारा संचालित किया जाता है, 5,101 महिला स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके द्वारा संचालित किया जाता है,
105 उचित मूल्य की दुकानें वन सुरक्षा समितियों के द्वारा संचालित किया जाता है और 16 उचित मूल्य की दुकानें नगरीय निकायों के द्वारा संचालित किया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश में सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें किनके द्वारा संचालित की जाती है, तो सहकारी समितियों के द्वारा सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जाता है। कितना? 4767, ग्राम पंचायतों के द्वारा 3773, महिला स्व सहायता समूह के द्वारा 5101, वन सुरक्षा समितियों के द्वारा 105 और नगरीय निकाय के द्वारा 16 उचित मूल्य की दुकानें संचालित होती है। सभी को ऐड करेंगे तो कुल 13,759 उचित मूल्य की दुकानें वर्तमान आपके दिसंबर 2023 तक की स्थिति में अस्तित्व में थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली, यूनिवर्सल पीडीएस, सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली क्रियान्वयन। इसकी शुरुआत हुई आपके 2 अक्टूबर 2019 से। सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली का उद्देश्य क्या है? देखिए, सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली में प्राथमिकता राशन कार्डों की खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ साथ सामान्य परिवारों के लिए सामान्य परिवारों के लिए भी सामान्य परिवार वाले राशन कार्ड जारी करते हुए खाद्यान्न पात्रता सुनिश्चित करना, ये सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली का जो है मुख्य उद्देश्य है। पहले जो आपके राशन कार्ड जो जारी होते थे, ये आपके छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी होते थे, लेकिन 2019 से आपका सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली लागू किया गया। सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली का उद्देश्य क्या था कि जो प्राथमिकता राशन कार्ड धारी जो परिवार है उनके खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि करना, और साथ ही साथ जो सामान्य परिवार वाले जो राशन कार्ड धारी थे उन्हें उनकी भी जो है खाद्यान्न की पात्रता सुनिश्चित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। जब कभी भी आपके गरीबी की बात की जाती है तो एक वर्ड यूज होता है आपका गरीबी रेखा, गरीबी रेखा, ठीक है, पीएल, पावर्टी लाइन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पीएल, पावर्टी लाइन, गरीबी रेखा। तो सरकार के द्वारा कुछ पैमाना निर्धारित किया गया है गरीबी के स्तर का, अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो सरकार के द्वारा जो गरीबी के स्तर का जो पैमाना निर्धारित किया गया है उसे लेकर के एक लाइन खींची गई है। तो जो उस पैमाने के नीचे जो लोग जीवन व्यापन करते हैं उन्हें बीपीएल कहा जाता है, बीपीएल परिवार, यानी कि बिलो द पावर्टी लाइन। और गरीबी रेखा के जो लोग ऊपर जीवन व्यापन करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है उन्हें कहा जाता है आपका एपीएल परिवार, यानी कि अबव द पावर्टी लाइन, ठीक है, एपीएल परिवार, इन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, सामान्य। सरकार जो अक्सर अपनी योजनाएं बनाती है वो बीपीएल परिवारों को टारगेट करते हुए बनाती है इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, गरीबी रेखा। तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले बीपीएल, बीपीएल परिवार, गरीबी रेखा के ऊपर जीवन व्यापन करने वाले एपीएल परिवार। बीपीएल क्या होता है, बिलो द पावर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करना, और एपीएल क्या होता है, अबव द पावर्टी लाइन। तो जो है सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बहुत से ऐसे परिवार थे जो कि बीपीएल की श्रेणी से एपीएल में चले गए, यानी कि उन्होंने पावर्टी लाइन को क्रॉस कर दिया, ठीक। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो पहले आपका छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू था वो मेनली कंसिडर करता था आपके बीपीएल परिवारों को, ठीक है, मुख्य रूप से बीपीएल परिवारों को कंसिडर करता था। एपीएल परिवार जो है इस आपके खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत पात्र नहीं थे, लेकिन बाद में ये पाया गया कि बहुत से लोग जो कि बीपीएल से एपीएल कैटेगरी में तो आ गए हैं लेकिन वे अभी भी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं है कि वे जो है आपके आर्थिक रूप से सक्षम माने जाए, यानी कि खाद्य रूप खाद्य उन्हें जो है खाद्यान्न पात्रता उन्हें भी मिलनी चाहिए। ये क्या है, आपके बिलो जो आपका पावर्टी लाइन बनाया गया था, जो गरीबी रेखा बनाई गई थी उनके काफी नजदीक थे, ठीक है, यानी कि जो आपका एक जो गरीबी रेखा का जो पैमाना निर्धारित किया गया था उसमें उन्होंने गरीबी रेखा के पैमाने को पार तो कर दिया लेकिन इतने भी वो सक्षम नहीं हुए हैं कि वे अपने खाद्यान्न सामग्री जुटा सके। तो सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत ऐसे परिवारों को सुनिश्चित किया गया जो बीपीएल से एपीएल तो बने हैं लेकिन उन्हें भी जो है खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत लाया जाए, उन्हें भी भोजन का अधिकार उपलब्ध हो,
ठीक है। तो सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर यह सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली लागू किया गया, ठीक है। महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर जो है आपका यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम, सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली लागू किया गया, जिसमें ऐसे एपीएल परिवारों को कंसिडर किया गया जो कि पॉवर्टी लाइन के एकदम नजदीक है, ठीक। अब ये तो कहने की बात है कि बीपीएल और एपीएल आज के डेट में हमारे प्रदेश में प्रदेश के सभी परिवारों के लिए राशन कार्ड जारी किया जा रहा है। भले खाद्यान्न सामग्री का उपभोक्ता दर सभी के लिए अलग अलग है, लेकिन प्रदेश के सभी परिवारों के लिए अब राशन कार्ड जारी किया जा चुका है। लेकिन सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य था ऐसे परिवार जो जस्ट बीपीएल से एपीएल श्रेणी में आए हैं लेकिन वो पॉवर्टी लाइन के एकदम नज़दीक है, उन परिवारों के लिए इस सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली को लाया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि प्रदेश के सभी परिवारों को जो है अब राशन कार्ड जारी कर दिया गया है, ठीक। इसके अंतर्गत जो है परिवार की पात्रता क्या है, आयकर दाता और गैर आयकर दाता, समझ रहे हैं, एपीएल परिवार तो है, अब जो लोग टैक्स देते हैं वो भी और जो लोग टैक्स नहीं देते हैं वो भी, सभी लोगों के लिए अब राशन कार्ड जारी किया जाता है। तो वही लिखा है कि सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली में प्राथमिकता राशन कार्डों की खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ साथ, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनके खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ साथ सामान्य परिवार वाले राशन कार्ड जारी करते हुए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड जारी किया जा रहा है, यानी कि वर्तमान में जितने भी राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं ये सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत ही जारी किए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये राशन कार्ड कौन कौन से हैं आगे हम देखेंगे एक टेबल के माध्यम से। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस ऑनलाइन सिस्टम ये क्या है, देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑनलाइन व्यवस्था ये शुरू की गई थी आपके वर्ष 2007 से। कंप्यूटरीकरण कार्य यानी कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जितने भी खाद्य सामग्री आपकी वितरित की जाती है उनका एक कंप्यूटर में रिकॉर्ड दर्ज करना। विशेष कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य संचालनालय के द्वारा खाद्य वितरण का आवंटन जनवरी 2008 से किया जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटरीकरण का शुरुआत वर्ष 2007 में हो चुका था, यानी कि जो है इसका जस्ट एक पायलट प्रोजेक्ट लाया गया था जनवरी 2008 में। जितने भी आपके पीडीएस के अंतर्गत जितनी भी उचित मूल्य की दुकानें थी जनवरी 2008 में जो है उन्हें उनका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया। कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य संचालनालय के द्वारा खाद्य वितरण का आवंटन जनवरी 2008 से किया जा रहा है, जबकि कंप्यूटरीकरण का कार्य कब प्रारंभ हो गया था, वर्ष 2007 में, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। एंड्रॉइड आधारित टैबलेट के माध्यम से कंप्यूटरीकृत 13,759 उचित मूल्य की दुकानें हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार। प्रदेश में वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी है, 13,759, यानी कि प्रदेश के सभी उचित मूल्य की दुकानें एंड्रॉइड आधारित टैबलेट के माध्यम से कंप्यूटरीकृत है। आज के डेट में अगर आप राशन कार्ड लेकर के जाएंगे उचित मूल्य की दुकानों में तो वहां पर बैठा जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जो व्यक्ति है, वो राशन कार्ड में जितने भी परिवार है, आज के डेट में हर जगह जो है केवाईसी हो चुका है, अगर एक परिवार में 5 सदस्य है तो 5 के 5 सदस्य का फिंगरप्रिंट लिया जाता है, आपके जो आधार कार्ड है उसे लिंक करके रखा जाता है, ठीक है। तो एंड्रॉइड के माध्यम से अगर आपका जो उस राशन कार्ड में जितने भी परिवारों का नाम है कोई भी एक व्यक्ति जा करके अपना फिंगरप्रिंट लगा करके खाद्यान्न सामग्री उचित मूल्य की दुकानों से कलेक्ट कर सकता है। तो कंप्यूटरीकृत एंड्रॉइड आधारित टैबलेट के माध्यम से प्रदेश के 13,759 जो उचित मूल्य की दुकानें हैं ये कंप्यूटरीकृत है। प्रश्न पूछा जाएगा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के कितनी उचित मूल्य की दुकानें एंड्रॉइड आधारित टैबलेट के माध्यम से कंप्यूटरीकृत है, तो 13,759 यानी कि सभी के सभी 100% जो है पूरा का पूरा ओवरऑल छत्तीसगढ़ में जितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं सभी के सभी जो है आपके एंड्रॉइड टैबलेट के माध्यम से कंप्यूटरीकृत हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 13,723 उचित मूल्य की दुकानों में ई पॉश मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया था आपके लॉकडाउन के समय।
बहुत से ऐसे छत्तीसगढ़ के निवासी जो कि दूसरे राज्यों में जाकर के बस गए थे, वहाँ पर जो है उन्होंने अपना राशन कार्ड बनवा लिया था, उस दौरान जो है बहुत से माइग्रेशन हुए। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट ये था कि आप किसी भी राज्य में निवास कर रहे हो, किसी भी राज्य में आपका उस राज्य का राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आप दूसरे स्टेट में भी जा कर के वहाँ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत आप किसी भी राज्य के निवासी क्यों ना हो, आप दूसरे राज्यों में भी जा कर के राशन कार्ड के माध्यम से खाद्य सामग्री ले सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे बहुत से जो आपके माइग्रेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हुए, तब प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये कॉन्सेप्ट लाया गया था वन नेशन वन राशन कार्ड। तो हमारे प्रदेश में लगभग 13,723 जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उनमें ई पॉस मशीन के माध्यम से खाद्य वितरण किया जा रहा है, यानी कि दूसरे स्टेट के अगर नागरिक है वो छत्तीसगढ़ के किसी राशन कार्ड की दुकान से खाद्यान्न सामग्री कलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 13,759 है, लेकिन 13,759 में से 13,723 ही उचित मूल्य की दुकानें हैं जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत खाद्यान्न सामग्री जो है वितरित कर सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार सहित नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई इंडिया अवार्ड, ई गवर्नेंस अवार्ड CSI, ई गवर्नेंस अवार्ड CSI, निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। एक बार का प्रश्न पूछा गया था कि प्रदेश में किस संस्था को या किस क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार को मंथन अवार्ड प्रदान किया गया है, मेरे हिसाब से लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था। तो किसे प्रदान किया गया है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार सहित इतने सारे अवार्ड प्राप्त हुए हैं और मंथन अवार्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये सारे अवार्ड को भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, PDS प्रणाली कॉल सेंटर। अब ये PDS प्रणाली कॉल सेंटर क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली कॉल सेंटर, ये संचालित किया जा रहा है आपके जनवरी 2008 से। इसका उद्देश्य है PDS प्रणाली में पारदर्शिता एवं जनभागीदारीता को बढ़ाना, यानी कि कोई उचित मूल्य की दुकान में बैठा व्यक्ति अगर खाद्यान्न सामग्री वितरण करने में किसी प्रकार का आनाकानी कर रहा है, यानी कि उसके पास खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध है लेकिन वो दे नहीं रहा है, वहाँ पर जो है व्यवस्था सही नहीं है, ठीक है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं इस नंबर पर 1967 या 1800233663 टोल फ्री नंबर पे। इस नंबर पे कॉल करके आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक PDS एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है, वह अपनी शिकायतें दर्ज कर सकता है। ठीक है, बहुत से उचित मूल्य की दुकानें हैं जहां पर हो सकता है क्या होता है, दूरस्थ ग्रामीण अंचल में खाद्यान्न सामग्री होने के बावजूद भी बहुत से करप्ट भ्रष्ट लोग हर जगह बैठे हुए हैं, खाद्यान्न सामग्री रहता है लेकिन वो पब्लिक को वितरित नहीं करते, बाद में उसी को फिर जो है खाद्यान्न सामग्री को आसपास की किराना दुकानों में ज़्यादा मूल्य पर बेचने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा अगर कहीं पर भी दिखाई देता है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक, तो ये है PDS प्रणाली कॉल सेंटर। तो PDS प्रणाली कॉल सेंटर किस वर्ष से शुरू किया गया? जनवरी 2008 से PDS प्रणाली कॉल सेंटर शुरू किया गया, PDS प्रणाली में पारदर्शिता एवं जनभागीदारिता को बढ़ाने के लिए। अब देखिए, राशन कार्ड, दिसंबर 2023 तक की स्थिति में प्रदेश में राशन कार्ड की संख्या कितनी थी? प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की संख्या है 76,54,179 परिवार, ठीक है, 76,54,179 परिवार के पास जो है राशन कार्ड है। ये आबादी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है परिवारों की बात हो रही है, ठीक है। टोटल 76,54,179 परिवार के पास जो है राशन कार्ड मौजूद है। प्रदेश में सर्वाधिक राशन कार्डधारी परिवार आपके रायपुर जिले में है, ठीक है। 23 जिलों में से सर्वाधिक राशन कार्ड किस जिले में प्रचलित है पूछा जाए तो वो है आपके रायपुर जिले में। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि राशन कार्ड के प्रकार कौन कौन से हैं। एक है प्राथमिकता राशन कार्ड, दूसरा अंत्योदय राशन कार्ड, तीसरा एकल निराश्रित, चौथा निःशक्तजन और पांचवा है आपका सामान्य राशन कार्ड। सबसे पहले है आपका अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब अति गरीब, ठीक है, जो BPL श्रेणी के अंतर्गत, जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनमें भी ऐसे परिवार जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है वो अंत्योदय के अंतर्गत आएंगे। फिर प्राथमिकता, बिलो दी पॉवर्टी लाइन, यानी कि अंत्योदय से थोड़ी उनकी स्थिति सही है। एकल निराश्रित, यानी कि विधवा महिला, परित्यक्त महिला, ऐसी महिला जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है, तो ऐसे एकल निराश्रित, विधवा, परित्यक्त महिला, ऐसे लोग जो है उनके लिए एकल निराश्रित राशन कार्ड जारी किया जाता है। निःशक्तजन यानी कि डिसेबल, हैंडीकैप,
ठीक है, उनके लिए निःशक्त जन राशन कार्ड जारी किया जाता है। और सामान्य परिवार यानी कि APL अबाउ द पॉवर्टी लाइन, जैसे हमने अभी देखा, ठीक। कलर, प्राथमिकता परिवार जो राशन कार्ड है उसका कलर है आपका लाल कार्ड। अंत्योदय परिवारों के लिए जो राशन कार्ड जारी किया जाता है उसका कलर रहता है पीला कार्ड। एकल निराश्रित जो आपकी महिलाएं हैं उनके लिए जो राशन कार्ड जारी किया जाता है वो है स्लेटी कार्ड, ठीक है, ग्रे कलर में। निःशक्त जनों के लिए काले रंग का कार्ड जारी किया जाता है, और जो APL परिवार है उनके लिए सफ़ेद रंग का कार्ड जारी किया जाता है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रदेश में नई सरकार आ चुकी है, ठीक है, सत्ता परिवर्तन हो चुका है और प्रदेश में राशन कार्डों का नवीनीकरण जारी है। राशन कार्डों का नवीनीकरण, देखिए अगर सीधा साधा बात किया जाए तो राशन कार्डों के नवीनीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये रिवाज बना हुआ है कि जब कभी भी जो भी आपका सत्ताधारी जो पार्टी होती है वो राशन कार्डों के ऊपर अपने मुखिया का फोटो लगाती है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तो राशन कार्ड के ऊपर आपके भूपेश बघेल जी और उन संबंधित विभाग के मंत्री यानी कि जो खाद्य विभाग के जो मंत्री है उनका फोटो हुआ करता था। सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन तो हो गया लेकिन राशन कार्ड में अभी भी भूपेश बघेल और उनके खाद्य विभाग के मंत्री का फोटो था। अब नवीनीकरण कराए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सामने का कवर पेज चेंज किया जाए, बाकी कोई इसमें पात्रता में वृद्धि नहीं की जा रही है, ना ही कोई नया कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, केवल एक नाम दे दिया गया है नवीनीकरण का, उसका मुख्य उद्देश्य है कवर पेज चेंज कराना। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पार्टी का दोष है, बीजेपी भी वही करती है, कांग्रेस भी वही करती है। हो सकता है कि अगले 5 साल में अगर बीजेपी के बाद कांग्रेस आए तो फिर से नवीनीकरण के माध्यम से कवर पेज चेंज कराया जाएगा। तो हो सकता है कि जो अभी जो राशन कार्डों का जो कलर है ये नवीनीकरण के बाद चेंज हो जाए, ठीक है, नवीनीकरण के बाद चेंज हो जाए। और हो सकता है कि अगर राशन कार्डों का कलर चेंज हो गया है नवीनीकरण के बाद, मुझे अभी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, तो जिस किसी को भी पता होगा कि नवीनीकरण के बाद अगर राशन कार्ड के ऊपर का कलर चेंज हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ आर्टिकल का लिंक आपके पास होगा तो उसे भी शेयर कर दीजिएगा, मैं उनके कमेंट को पिन कमेंट में डाल दूंगा ताकि सभी को उसकी जानकारी मिल जाए। या फिर आर्थिक सर्वेक्षण के अगले वीडियो में मैं ये टेबल को बता दूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है, एक साइड जो है राशन कार्ड का नाम दिया जाता था और दूसरे तरफ जो है राशन कार्ड का रंग, ये पूछा गया है, और सुमेलित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। प्रदेश में सर्वाधिक कौन से राशन कार्ड प्रचलन में है पूछा जाए तो वो है प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड, लगभग 52,32,175 ये प्राथमिकता परिवार राशन कार्डधारी है, ठीक है। अंत्योदय राशन कार्डों की संख्या पूछा जाए तो 14,90,930, एकल निराश्रित की संख्या 37,739, निःशक्त जन राशन कार्डों की संख्या 15,290 और सामान्य परिवार राशन कार्ड की संख्या है 8,78,045। सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 76,54,179, 76,54,179 राशन कार्डधारी परिवार, ठीक है। ये आंकड़े याद नहीं कर सकते चलेगा, लेकिन कम से कम इसे याद रखिएगा, लमसम में 76.54 लाख परिवार या राशन कार्ड प्रचलन में है। अगर हम प्राथमिकता राशन कार्ड की बात करें तो सर्वाधिक प्राथमिकता राशन कार्ड का प्रचलन रायपुर में है, ठीक है, सर्वाधिक प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार रायपुर जिले में निवासरत है। सर्वाधिक अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार जो है ये बिलासपुर में है। सर्वाधिक एकल निराश्रित राशन कार्डधारी परिवार भी बिलासपुर में है। निःशक्त सर्वाधिक निःशक्त जन राशन कार्डधारी परिवार आपके दुर्ग में है, और सर्वाधिक सामान्य वर्ग राशन कार्डधारी परिवार ये आपके रायपुर में है। और ओवरऑल सर्वाधिक राशन कार्ड किस जिले में है पूछा जाए प्रचलन में, तो वो है आपके रायपुर जिले में, ठीक। इतने सारे फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है ना, हो सकता है कि इसमें भी आपका कथन आधारित में स्टेटमेंट दे दे कि आपका दिसंबर 2023 तक की स्थिति में प्रदेश में अंत्योदय प्रदेश में कुल 14,90,930 अंत्योदय राशन कार्ड प्रचलन में थे, ऐसे करके एक हदी स्टेटमेंट भी डाल सकता है आपके लिए। खाद्यान्न पात्रता एवं दरें, जैसे कि अभी हमने देखा अलग अलग राशन कार्ड दिए गए हैं, अब हर एक राशन कार्ड के ऊपर कितना खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराया जाता है उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से। सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड के अंतर्गत एक राशन कार्ड के ऊपर कुल 35 किलो चावल प्रदान किया जाता है, ठीक है, एक राशन कार्ड के ऊपर कुल 35 किलो चावल प्रदान किया जाता है 1 रुपये प्रति किलो की उपभोक्ता दर से। चना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चना के आगे स्टार लगा हुआ है, ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। चना
एक अंत्योदय राशन कार्ड पर 2 किलो चना मिलता है 5 रुपए प्रति किलो की दर से। नमक, नमक जो है अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो और गैर अनुसूचित क्षेत्र में नमक दिया जाता है आपका निशुल्क, फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, गैर अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, आगे हम देखेंगे। अनुसूचित क्षेत्र मुख्यतः वह क्षेत्र होते हैं जहां पर राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यानी कि राज्यपाल के माध्यम से जो है प्रशासन सुनिश्चित करता है। आगे जो है हम अध्याय 13 शायद ग्रामीण वाला जो चैप्टर है उसमें हम अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो और आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो नमक निःशुल्क दिया जाता है। नमक का पैकेट रहता है, नमक के ऊपर लिखा है अमृत, ठीक है, अमृत, ये अमृत नमक वितरण किया जाता है। तो अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात हो रही है तो 2 किलो, गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात हो रही है तो 1 किलो और अनुसूचित क्षेत्र की बात हो रही है तो 2 किलो नमक वितरण किया जाता है निःशुल्क। प्रश्न पूछा जाएगा कि अंत्योदय राशन कार्ड के अंतर्गत चना का उपभोक्ता दर कितना है, तो 5 रुपए प्रति किलो उपभोक्ता दर है चना का। चावल का उपभोक्ता दर कितना है अंत्योदय राशन कार्ड धारी के अंतर्गत, वो है 1 रुपए प्रति किलो चावल का उपभोक्ता दर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्राथमिकता, प्राथमिकता राशन कार्ड। ये जो प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवार है उसके अंतर्गत खाद्यान्न सामग्री चावल, चावल जो है अगर एक परिवार है, देखिए इससे पहले हमने देखा अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार है तो उसे एक राशन कार्ड पर 35 किलो चावल मिलता था, लेकिन प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड के ऊपर अगर इस प्राथमिकता परिवार में केवल इस राशन कार्ड में किसी एक ही व्यक्ति का नाम जुड़ा है तो एक सदस्य होने पर 10 किलो, उस राशन कार्ड में 2 सदस्यों का नाम जुड़ा है तो 20 किलो, 3 से 5 सदस्य है यानी कि 3, 4, 5, ठीक है, 3 से 5 सदस्य है तो 35 किलो, अगर 3 सदस्य होंगे तो भी 35 किलो, 4 सदस्य होंगे तो भी 35 किलो, 5 सदस्य होंगे तो भी 35 किलो, 5 से अधिक सदस्य है तो 7 किलो प्रति सदस्य की दर से ये जो है चावल दिया जाएगा। उपभोक्ता दर है 1 किलो 1 रुपये प्रति किलो, यानी कि मान लीजिए किसी परिवार में आपके 7 सदस्य हैं, ठीक है, 7 सदस्य है तो सबसे पहले यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, 3 से 5 सदस्य 35 किलो, तो सबसे पहले 35 किलो दिया जाएगा और 7 है यानी कि 5+2, ठीक है, 5+2 क्या कहा गया, 5 से अधिक सदस्य होने पे 7 किलो प्रति सदस्य यानी कि 7+7, ठीक है, तो 35 में आप 14 ऐड कर देंगे, 35 किलो चावल प्लस 14 किलो चावल एक्स्ट्रा उन्हें दिया जाएगा। चना की अगर बात किया जाए तो 2 किलो चना 5 रुपए प्रति किलो की दर से। नमक की बात की जाए तो अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलो नमक और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 1 किलो नमक निःशुल्क वितरण किया जाता है। निराश्रित राशन कार्ड की बात किया जाए तो इसमें चावल दिया जाता है 10 किलो निःशुल्क, यहाँ पे ध्यान देना, निराश्रित, एकल निराश्रित जो राशन कार्ड है उसमें 10 किलो चावल दिया जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, एकल निराश्रित यानी कि एक व्यक्ति, 10 किलो चावल दिया जाएगा निःशुल्क। निशक्त जन है, निशक्त जन यानी कि जो एक हैंडीकैप है, जो विकलांग है, हर एक विकलांग का एक राशन कार्ड होगा यानी कि एक व्यक्ति को मैक्सिमम 10 किलो चावल, ठीक है, 10 किलो चावल निशुल्क। अब बात आती है सामान्य परिवार की, ठीक है, सामान्य परिवार की बात आती है तो सामान्य परिवार में 1 सदस्य को 10 किलो, 2 सदस्य को 20 किलो, 3 से 5 सदस्य को 35 किलो चावल दिया जाएगा 10 रुपये प्रति किलो की दर से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10 रुपये प्रति किलो की दर से। किन्हें निःशुल्क मिल रहा है, किन्हें 1 रुपये प्रति किलो की दर से मिल रहा है, किन्हें 10 रुपये प्रति किलो की दर से मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार राशन कार्डधारियों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से चावल, एकल निराश्रित और निशक्त जन को निःशुल्क और सामान्य परिवार को 10 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किया जाता है, ठीक है। देखिए, मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डों पर आगामी 5 वर्ष जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किए जाने के तर्ज पर छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय प्राथमिकता निःशक्तजन एकल निराश्रित श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क चावल वितरण करने का निर्देश दिया है। ये निर्णय लिया गया 28 दिसंबर 2023 को। आप थोड़ा ध्यान समझना, जो आपके इकोनॉमिक सर्वे की बुक है उस इकोनॉमिक सर्वे के बुक में टेबल बना हुआ है जिसमें बताया गया है कि आपके अंत्योदय प्राथमिकता परिवार, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना,
ठीक है, बाद में फिर एकदम डाउट क्रिएट होगा। ये इसमें हम करंट अफेयर को भी लेते हुए चल रहे हैं और इकोनॉमिक सर्वे को भी लेते हुए चल रहे हैं, तो माइंड में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं दोनों चीज को लेके चल रहा हूं, करंट अफेयर में क्या क्या बताया गया है और गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में क्या है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में आपका ये टेबल दिया गया है, ये ठीक है, जिसमें अंत्योदय परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड के अंतर्गत 35 किलो चावल 1 रुपए प्रति किलो की दर से, प्राथमिकता परिवार को जो है उन्हें भी जो है 1 रुपए प्रति किलो की दर से चावल मिलेगा, और आपका निराश्रित को निशुल्क, निःशक्तजन को निशुल्क और सामान्य परिवार को 10 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा। लेकिन करंट अफेयर का एक टॉपिक है जिसमें, जिसे मैंने अलग से इस टेबल में शामिल किया है, जो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी राशन कार्डों पर आगामी 5 वर्ष, यानी कि देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो अंत्योदय, यहाँ ध्यान देना यहाँ पे किनकी बात हो रही है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डों को आगामी 5 वर्ष जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक, आगामी 5 साल तक मासिक पात्रता चावल निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ये अखिल भारतीय स्तर की बात हो रही है। तो इसी के तर्ज पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय प्राथमिकता निःशक्तजन एकल निराश्रित श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को आगामी 5 वर्ष तक निशुल्क चावल वितरण करने के निर्देश दिए हैं। निर्णय लिया गया आपका 28 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो इसके इस निर्णय के आधार पर वर्तमान में चाहे वो प्राथमिक हो चाहे अंत्योदय हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी को निशुल्क चावल वितरण दिया जा रहा है, उपभोक्ता दर किसी प्रकार से नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। इसको मैंने अलग से ऐड किया है टेबल में, ये करंट अफेयर का टॉपिक था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जो हमने देखा स्टार लगा हुआ था चने के ऊपर, चने की जो पात्रता है ये केवल अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है, ठीक है, अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, माडा क्षेत्र क्या होता है, आगे हम ग्रामीण विकास वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, अध्याय 13 में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, माडा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो प्रदेश में जो अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र है वहाँ पर अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड केवल चने के लिए पात्र है। चने की पात्रता पहला चीज अंत्योदय और प्राथमिकता, इन दो राशन कार्डों की ही है बस, और वो भी कहाँ पर, केवल अनुसूचित और माडा क्षेत्रों में, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, ऐसे क्षेत्र जो कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या माडा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वे ही चने के लिए पात्र है, ठीक। शक्कर की पात्रता जो है ये भी दो राशन कार्डों पर है, अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड, जिसमें 1 किलो चावल प्रति माह 17 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है। गुड़ की पात्रता बस्तर संभाग में सभी राशन कार्डों पर 2 किलो प्रति माह 17 रुपये प्रति किलो की दर से, ध्यान देना गुड़ का वितरण किया जाता है बस्तर संभाग में, केवल और केवल बस्तर संभाग में 2 किलो गुड़ प्रति माह 17 रुपये प्रति किलो की दर से। केरोसिन की जो पात्रता है ये भी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड के लिए ही पात्र है, ठीक, इसे याद रखिएगा। अब खाद्यान्न सामग्री की बात की जाए तो खाद्यान्न सामग्री का आवंटन वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक से न्यूनतम, इसमें नो डाउट हर बार जो है सर्वाधिक खाद्यान्न सामग्री वितरित होती है वो है चावल, ठीक है, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 2023-24 में 15.60 लाख चावल जो है ये वितरित किए गए। नमक की अगर संख्या बात की जाए तो आपका टोटल 58.01 हज़ार, शक्कर की बात की जाए तो 41.54 हज़ार, चना की बात की जाए तो 36.67 हज़ार, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सर्वाधिक चावल, और चावल के बाद आपका वितरित होता है क्या, नमक, ठीक, मुफ्त में मिलता है। नेक्स्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है, पहला चीज, ठीक है। कृषि उपजों पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये निर्धारित किया जाता है किनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा उचित मूल्य का निर्धारण किया जाता है। सिफारिश कौन करती है, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग।
इसकी सिफारिश पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा टोटल 23 कृषि उत्पादों पर, ठीक है, 23 कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। 23 कृषि उत्पाद कौन कौन से हैं? टोटल 7 प्रकार के अनाज, 5 प्रकार के दलहन, 7 प्रकार के तिलहन और 4 प्रकार के व्यापारी के नकदी फसलें, ठीक है। अनाज की बात की जाए तो अनाज में आपका गेहूं आएगा, चावल आएगा। दलहन फसल की बात किया जाए तो उड़द आएगा, राहड़ आएगा, तिवड़ा आएगा। तिलहन फसल की बात किया जाए तो मूंगफली, सोयाबीन, रामतिल, तिल, ये सभी आते हैं। व्यापारिक फसलों की बात किया जाए तो गन्ना, नारियल, ये सभी आएंगे, ठीक है। तो टोटल 23 प्रकार की कृषि उपजों पर जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें, वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें, तो प्रदेश में टोटल 107.53 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई वित्तीय वर्ष 2022-23 में। अभी 22-23 की बात हो रही है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में टोटल 107.53 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई, जबकि मक्के की खरीदी हुई 20.80 टन, ठीक। अब देखिए, अब सबसे पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देख लेते हैं। यहाँ पर कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। मैं हर एक को आपको पढ़ करके नहीं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है उसे मैं आपका राउंड का सर्कल में रख रहा हूँ, उसे पहले याद कीजिएगा। सामान्य धान और ग्रेड ए धान, इसका याद रखना। ज्वार का याद रख लेना, बाजरा का, रागी का, मक्का का, उड़द, मूंगफली, ठीक है। इतने का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले याद रखिएगा। सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल, ग्रेड ए का 2203 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार का आपका हाइब्रिड 3180, ज्वार मालदंडी 3225, बाजरे का 2500, रागी का 3846 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का का स्पेशली याद रखना 2090 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द का 6950, मूंगफली का 6377 रुपये प्रति क्विंटल। बाकी आप सभी याद करना चाहते हैं याद कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये हो गया आपका वित्तीय वर्ष 2023, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब देखिए रबी फसल, अभी जो है रबी फसल विपणन वर्ष 2024-25 है, ये खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 है, ये रबी विपणन वर्ष 2024-25 है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो आपका खरीफ का जो है वो 2023-24 के आंकड़े है, और जो रबी की फसल का जो है ये 24-25 का है। खरीफ का 24-25 का आंकड़ा जुलाई या अगस्त तक आ जाएगा नए आंकड़े, ठीक है। तो रबी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर हम बात करें तो इसमें आपको याद रखना है गेहूं और चने का, स्पेशली गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल, चने का है 5440 रुपये प्रति क्विंटल। बाकी को आप याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण। प्रदेश में जो धान की खरीदी की जाती है उसका कंप्यूटरीकरण खरीफ विपणन वर्ष 2007-08 से कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धान खरीदी में पारदर्शिता लाना एवं किसानों को सीधे उनके खातों में भुगतान करना। एक्चुअली में क्या होता था कि जो धान की खरीदी है, धान की खरीदी में बिचौलियों के हस्तक्षेप को हटाना इस धान खरीदी के कंप्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य था। बिचौलिए, मीडिएटर, जिसे आप साधारण शब्दों में दलाल कह सकते हैं, किसानों से कम कीमत पर धान खरीद करके आगे बड़े व्यापारी को ज्यादा कीमत पर बेच करके बीच में मुनाफा कमाने वाले होते थे आपके बिचौलिए। तो इन्हें बीच से हटा करके धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया ताकि बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम किया जाए। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण यानी कि जो किसान अपना धान बेचना चाहता है वो आपकी जाकर के अपना पूरा का पूरा पंजीकरण कराएगा, उसके पास कितना रकबा है, कितने क्षेत्र में वो कृषि उपज लगाता है, ठीक है, अपना रकबा नंबर बताएगा, कितने एकड़ उसके पास जमीन है, उसके आधार पर उससे धान की खरीदी की जाएगी और जो भी पैसा होगा वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो बिचौलिए का हस्तक्षेप कम करना इनका मुख्य उद्देश्य था। खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एकीकृत पोर्टल पर किया जा रहा है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए
धान एवं मक्का खरीदी विपणन वर्ष 2023-24 धान एवं मक्का खरीदी। अगर हम बात करें खरीदी करने वाली संस्था की, तो धान खरीदी करने वाली संस्था का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, जिसे मार्कफेड भी कहा जाता है। खरीदी की समय की अगर हम बात किया जाए करें तो वित्तीय वर्ष यानी कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान की खरीदी का तिथि निर्धारित किया गया 1 नवंबर 2023 से लेकर के 4 फरवरी 2024 तक। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल, ग्रेड ए जो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया था 2203 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक, प्रदेश सरकार के द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की गई। केंद्र सरकार 2183 और 2203 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार ने कहा कि हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को देंगे। यानी कि अगर हम बात करें 2183 में 917 रुपये, ठीक है, 917 रुपये जोड़ेंगे और आपके ग्रेड ए में 897 रुपये जोड़ेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 3100 रुपये। तो ये जो अतिरिक्त राशि है, ये अतिरिक्त राशि कृषक उन्नत योजना के माध्यम से 12 मार्च 2024 को आपका ये योजना लाया गया, कृषक उन्नत योजना। इस कृषक उन्नत योजना शायद बालोद जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। इस कृषक उन्नत योजना के माध्यम से ये जो अतिरिक्त राशि थी, ठीक है, जो एक्स्ट्रा था, ये तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से किसानों को दे दिया गया, लेकिन जो बची हुई जो अतिरिक्त राशि थी ये कृषक उन्नत योजना के माध्यम से 12 मार्च 2024 को किसानों को डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर किया गया। प्रदेश में अधिकतम सीमा कितनी है धान खरीदी की, वो है 21 क्विंटल प्रति एकड़। इससे पिछले विपणन वर्ष में प्रदेश के किसानों से 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी की जाती थी। नई सरकार आई, इस ये जो नई सरकार है इसने प्रदेश के किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी की। हमारा जो छत्तीसगढ़ है इसे धान का कटोरा कहा जाता है, प्रदेश में धान की पैदावार सर्वाधिक है, इस कारण से यहाँ के किसानों से ज़्यादा धान खरीदी की जा रही है प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। 21 क्विंटल प्रति एकड़, मान लीजिए किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, तो उस वो अपना पंजीकरण कराया कि मेरे पास जो है टोटल आपके 5 एकड़ का रकबा है, तो 1 एकड़ से अधिकतम 21 क्विंटल की धान की खरीदी की जाएगी। 5 एकड़ है तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो 1 एकड़ से मैक्सिमम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो निर्धारित तिथि थी 1 नवंबर 2023 से लेकर के 4 फरवरी 2024 तक, इस बीच में जो है धान खरीदी का जो प्रदेश सरकार ने टारगेट रखा था वो था 130 लाख मैट्रिक टन, लेकिन इस टारगेट को क्रॉस करके धान की खरीदी हुई 144.92 लाख मैट्रिक टन। ध्यान दीजिएगा, प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा था कि इस विपणन वर्ष में टोटल आपके 130 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी होगी, लेकिन धान की खरीदी कितनी हुई 144.92 लाख मैट्रिक टन। अगर हम मक्का खरीदी की बात करें तो प्रदेश में मक्का खरीदी करने वाली संस्था का नाम है मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम। मक्का खरीदी का तिथि निर्धारित किया गया था 1 नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक। मक्का खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है 2090 रुपये प्रति क्विंटल। प्रदेश के किसानों से 1 एकड़ से अधिकतम 10 क्विंटल मक्का की खरीदी की जाएगी। इसका लक्ष्य और खरीदी के कोई भी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखिए, प्रदेश में जो है टोटल धान उपार्जन एवं खरीदी केंद्रों की संख्या कितनी है, 2739 उपार्जन केंद्र है। आर्थिक सर्वेक्षण में आपको ये आंकड़ा कम देखने के लिए मिलेगा। जब धान खरीदी कंप्लीट हुआ और जो आंकड़े आए थे गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल, उसमें बताए गए कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में टोटल 2739 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा प्रति बारदाना के लिए 25 रुपये का किसानों को भुगतान किया गया। बारदाना का मतलब बोरा, बैग, जिसमें धान भर करके बेचा जाता है सोसाइटी में। तो वो जो बारदाना है, बारदाना की जो राशि है, किसान जो है धान लेकर के जाएंगे बारदाना में तो बारदाना भी जमा करना पड़ता है, तो एक बारदाने का 25 रुपए की दर से किसानों को भुगतान किया गया। इस खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक धान की खरीदी हुई महासमुंद जिले से, लगभग 11.28 लाख मैट्रिक टन। सेकेंड नंबर पर रहा धान बेचने के मामले में बेमेतरा, 9.34 लाख मैट्रिक टन। थर्ड नंबर पर रहा बलौदाबाजार, 8.72 लाख
मेट्रिक टन। हर बार जो है धान खरीदी में अग्रणी जिला रहता था कौन सा? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा भी जो है आपका डिवाइड हो गया शक्ति में, ठीक है। तो सर्वाधिक धान खरीदी रहा महासमुंद, सेकेंड नंबर पर बेमेतरा, थर्ड नंबर पर आपका बलौदा बाजार। न्यूनतम सबसे कम धान की खरीदी हुई दंतेवाड़ा जिले में, लगभग 27,000 मेट्रिक टन। उसके बाद है नारायणपुर 29,000 मेट्रिक टन, यहाँ पे लाख में लिखा हुआ 0.29, लेकिन अगर उसको पढ़ेंगे हम तो वो 29,000 मेट्रिक टन होगा। सुकमा में 73,000 मेट्रिक टन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसे याद रखिएगा ना कि खरीफ विपणन प्रश्न पूछा जाएगा, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक धान की खरीदी किस जिले से हुई, तो कौन सा जिला है? महासमुंद जिला। नेक्स्ट है चावल उत्सव। चावल उत्सव क्या है देखिए, चावल उत्सव का प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ फरवरी 2008, व्यापम में पूछा गया बहुत बार का प्रश्न। इसका उद्देश्य राशन सामग्री की निगरानी तथा निर्धारित तिथि में राशन का वितरण करना। चावल उत्सव गांव में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में प्रत्येक माह 6 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल का वितरण किया जाएगा। देखिए, हर एक गाँव में साप्ताहिक बाजार लगता है, कोई बाजार सोमवार के दिन लगता है किसी गांव में, किसी गांव में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सप्ताह में एक दिन गांव में जो है बाजार भरता है, ठीक है। तो किसी महीना, जैसे मान लीजिए अभी मई का महीना चल रहा है, मई के महीने में छः मई के बाद, ठीक है, छः मई के बाद उस गाँव में भरने वाले पहले बाजार के दिन उचित मूल्य की दुकानों से आपका चावल का वितरण या खाद्यान्न सामग्री वितरित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उचित मूल्य की दुकान, जब कभी भी, अब गांव में क्या है, बाजार एक जगह लगता है और बहुत सारे गांव काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, तो वो जब कभी भी बाजार में सामान खरीदी करने आए तो उसी दिन में आ करके वो जो है उचित मूल्य की दुकानों से अपना खाद्य सामग्री भी ले सके। तो ये आपको बताया गया है कि गांव में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में 6 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार में चावल का वितरण किया जाएगा। शेष गांव जहां पे उचित मूल्य की दुकानों में प्रत्येक माह की 7 तारीख को वितरित किया जाएगा, यानी कि ऐसे गांव जहां पर आपके हाट बाजार संचालित नहीं है, तो शेष गांव में उचित मूल्य की दुकानों में प्रत्येक माह की 7 तारीख को जो है आपका चावल वितरण किया जाएगा। तो ये है आपका चावल उत्सव, ठीक। तो यहाँ पर होता है आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 4, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त। इसमें आपको मुख्य रूप से धान खरीदी के आंकड़े, सर्वाधिक धान खरीदी किस जिले में हुआ, सबसे कम किस जिले में हुआ, ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, अलग अलग फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। जो ईयर है, ठीक है, पीडीएस प्रणाली, कॉल सिस्टम, धान खरीदी, कंप्यूटरीकरण, ये सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। ये टेबल को भी आपको याद रखना है, प्रश्न इससे भी पूछा जाएगा, तो ये सारे चीज़ को याद करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की ऑनलाइन बैच 15 मई 2024 से शुरू होने वाली है। जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। समय रहते रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, फर्स्ट डे के फर्स्ट लेक्चर से क्लास अटेंड कीजिएगा। अगर आपको और भी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 9109340480 में अभी आप मैसेज करके या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।